गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की, ठीक है, खनिज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ की ये 2 से 3 नंबर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास ज्वाइन कीजिएगा, तब तक मैं लिंक शेयर करता हूँ ना, तब तक मैं लिंक शेयर करता हूँ, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जो बच्चे नए हैं, साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के खनिज से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खनिज से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगामी एग्जाम, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक है, सब इंस्पेक्टर है, एडीओ, यानी कि यहाँ से आपको खनिज से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। 2 से 3 नंबर यहाँ से बन सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। खनन तथा उत्खनन के क्षेत्र में GSDP में, ठीक है, तो योगदान की बात करें तो 8.34% है, ठीक है। योगदान की बात करें तो वृद्धि की बात करें, वृद्धि दर तो -24.40%, सबसे कम, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान कितना प्रतिशत है? 27%, ठीक है, याद कर लीजिएगा और बिल्कुल इसको नोट्स को तैयार कीजिएगा, है ना। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लासेस होती है करंट अफेयर की 5 बजे और 6 बजे, ठीक है, और छात्रावास अधीक्षक की क्लास रात 9:30 बजे होती है, दोपहर 12 बजे ADO की क्लास होती है, तो ज्वाइन करके रख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान की बात करें तो कोयला है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 27%, ठीक है, कितना प्रतिशत? 27%। और सर्वाधिक योगदान की बात करें तो कोयला है ना। इसके बाद नोट कर लीजिएगा कि देखिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के देश में 3रा स्थान है ना, नोट कीजिएगा। जो लोग बच्चे नए हैं कॉपी पकड़ के रख लीजिएगा और साथ ही नोट करते चलिए। खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो देश में 3रा स्थान है, तथा देश का 15.5% खनिज से छत्तीसगढ़ में भंडारित है, ठीक है। इसके बाद खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 3रा स्थान है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ना। सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ राजस्व खनिज का योगदान 27% है, सर्वाधिक योगदान कोयला है, ठीक है। इसके बाद भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 3रा स्थान है, भंडारण की दृष्टि से खनिज, ठीक है, नोट कीजिएगा ना ये वाला। खनिज जो है भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 3रा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से भी 3रा, भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से 3रा स्थान है, जबकि छत्तीसगढ़ में खनन होता है प्रथम उड़ीसा राज्य है, ठीक है। प्रथम कौन सा है? उड़ीसा राज्य, ओके, प्रथम उड़ीसा राज्य है। यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खनिज का प्राप्त राजस्व में 6,195.73 करोड़ रुपए है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और यहाँ से आपके प्रश्न व्यापम CGPSC में बनता ही है, ठीक है, जो CGPSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो है, खनिज आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे मुख्यतः, ठीक है, 1 से 2 नंबर यहाँ से खनिज से पूछे जाते हैं, तो नोट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा ना। मुख्य खनिज की बात करते हैं तो 96% एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और गौण खनिज की बात करते हैं तो 4%, इसको दोनों को नोट कर लीजिएगा ना, ये एग्जाम में आ चुका है, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बात करें कि कोयला 37.71% कितना है? 37.71%, जबकि लोहा कितना है? 29.51। पहला इसमें कोयला हो गया है, दूसरा हो गया लोहा, ठीक है। तीसरा की बात करें तो 5.30% चूना पत्थर है, और अन्य की बात करें तो 27.48%, यानी कि छत्तीसगढ़ को खनिज से प्राप्त राजस्व 6,195.73 करोड़ रुपये है और उत्पादन के क्रम में एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, उत्पादन के क्रम में याद करते चलिएगा, दोहराते हुए चलिएगा मेरे साथ, दोहराते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है उत्पादन के क्रम में कोयला, पहला है कोयला, दूसरा है चूना, तीसरा है लोहा, इसका चौथा है बॉक्साइट। एग्जाम में आपको क्रमवार से पूछा जा सकता है, ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो खनिज है उसका उत्पादन क्रम आप बताइए बोलेगा, तो एग्जाम में व्यापम में एग्जाम में ये प्रश्न बन सकते हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा। जो लोग
सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पर यह वीडियो बेस्ट है। ठीक है, रॉयल्टी दर की बात करें तो रॉयल्टी दर में देखिए लौह अयस्क, उसके बाद कोयला, उसके बाद बॉक्साइट, उसके बाद चूना पत्थर। तो पहला क्रम में लौह अयस्क है और सबसे लास्ट यानी कि चौथा में कौन सा है, चूना पत्थर। ठीक है, रॉयल्टी दर में ना, रॉयल्टी दर में, जबकि उत्पादन के क्रम में कोयला पहला स्थान है और चौथा में कौन सा है, बॉक्साइट। तो पहला और अंतिम आप लोग याद करते चलिए और क्रमवार याद करना। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। लौह अयस्क के देखेंगे तो लौह अयस्क देश के 61.60% लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में भंडारित है, वो भी तीसरा स्थान। ठीक है, उसके बाद देश की बात करें तो 14.08% लौह अयस्क का उत्पादन है छत्तीसगढ़ से होता है और दूसरा स्थान है। कॉपी में नोट करते चलिएगा ना। अब देखिए, अब इसको लौह अयस्क के बारे में जानते हैं कि भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा पहला है, दूसरा में झारखंड, तीसरा में छत्तीसगढ़। तो लौह अयस्क की दृष्टि से भंडारण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त है, तो तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन की दृष्टि की बात करें तो दूसरा स्थान है, नोट कीजिएगा कॉपी में। लौह अयस्क जो है भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। ठीक है, पहला उड़ीसा है, तीसरा कर्नाटक। राज्य में सर्वाधिक भंडारण उत्पादन में दंतेवाड़ा और कांकेर है। ठीक है, दंतेवाड़ा और कांकेर है। इसके बाद बात करें तो द्वितीय स्थान पर, जबकि देश में लौह अयस्क प्राप्त राजस्व का छत्तीसगढ़ में योगदान 19.90% है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो आगे बढ़ें। इसके बाद जो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर देश का 5.31% चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में भंडारित है, वो भी पाँचवा स्थान है। ठीक है, चूना पत्थर का पाँचवा स्थान है और देश में 11.98% चूना पत्थर का उत्पादन होता है, जो कि चौथे स्थान पर है। ये स्थान वाला आप वगैरह नोट कर लीजिएगा ना, कॉपी में नोट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देश में चूना पत्थर से प्राप्त आय में छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का है योगदान इसका 11.63%। इसके बाद देखेंगे कोयला से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा गया है, सीजी व्यापम और पीएससी, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, 2 से 3 नंबर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, ओके, चलिए कोयला की बात करें तो कोयला यहाँ पर, कोयला का छत्तीसगढ़ में जो भंडारण है तीसरा स्थान है और देश में 21.4% कोयले का उत्पादन प्रथम स्थान। ठीक है, अब कोयला है जो कि भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो कोयला पहला स्थान है और राज्य में सर्वाधिक भंडारण रायगढ़, कोरबा। उत्पादन की बात करें तो कोरबा और रायगढ़। ठीक है, खनन SECL व CMDC द्वारा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खदान है मुकुंद घाट। देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खदान कौन सा है, मुकुंद घाट। ठीक है, उसके बाद देखिए टीन की बात करें तो टीन